वन क्षेत्र को 7 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य किया गया निर्धारित। जी हां, हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल सिंह ने बताया कि वन विभाग द्वारा प्रदेश में वन क्षेत्र से 7 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत इस वर्ष करीबन 1,25,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। राज्य के 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी, जिसमें औषधीय पौधे रोपित किए जाएंगे। वन मंत्री तथा वन विभाग के प्रदेश मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राज्य के वन अधिकारियों से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा 1,25,00,000 पौधे लगाए जाएंगे, उनमें अधिकतर पौधे फलदार पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों तथा सड़क के किनारों के अलावा पंचायती जमीन पर भी लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल के लिए वृक्ष मित्र नियुक्त किए जाएंगे, ताकि 100% पौधे जीवित रह सके। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य सरकार द्वारा कीमती पौधे लगाने की अपेक्षा हरियाली बनाए रखने वाले पौधों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों के अलावा वन्य जीव तथा पशु पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए भी ये आवश्यक है, इसलिए उन पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन पौधों के बड़े होने पर पक्षी उनमें घोंसला बना सके और उनके फल खाकर अपना गुजारा भी कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार से पंचायतों को अच्छी आमदनी होगी और बाग के पेड़ बड़े होने पर यानी 50 वर्ष तक हरा भरा क्षेत्र रखकर पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहयोग करेंगे। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। आने वाले टाइम में हमने एक बहुत बड़ा उद्देश्य रखा, जैसा हरियाणा में 7% फॉरेस्ट है, माने मुख्यमंत्री जी ने 20% तक लेके जाने की बात में हमारे सामने एक टारगेट दिया है, तो सारे को देखते हुए हमने 1100 गांव का एक प्रोग्राम की बार बनाया कि हम 1100 गांव में जहां भी उनके पास जगह है सारे गांव में चाहे गांव की फिरनी है, चाहे गली है, चाहे शमशान घाट है, चाहे मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारा है, जहां भी जगह है वहां पे हम पेड़ लगा के उस गांव को ग्रीन करने का काम हम करेंगे। और उसमें स्कूल भी है, तो उसमें अब की बार हमने 1,25,00,000 पेड़ लगाने का हमने एक टारगेट रखा। उस सारे में हम एक वृक्ष मित्र भी उस वहाँ गाँव में नियुक्त करेंगे, और हमारा टारगेट ये है कि अगर हम 100 पेड़ लगाते हैं 100 के 100 अरे होने चाहिए। अभी हमारा टारगेट 100% का है, तो हमारा निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि अब की बार हम उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम पूरा प्रयास ये करेंगे कि पेड़ लगाना ही खाले मेरा उद्देश्य नहीं, पेड़ लगाने के साथ पेड़ का हरा होना और बड़ा होना भी हमारा टारगेट है कि वो हर तरीके से बचना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरा हमारा अब की बार एक टारगेट हमने और भी रखा कि पहले कई बार हम कीमती पेड़ लगाने की तरफ भी हमारा ध्यान होता था ज़्यादा, अब हम ये सोच रहे हैं कि कीमती पेड़ इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, ग्रीनरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसा पेड़ है चाहे भले वो कीमती नहीं है लेकिन उसके पास ज़्यादा ग्रीनरी है, जैसे बरगद का पेड़ है, जैसे पिलखड़ का पेड़ है, और भी बहुत ऐसे पेड़ हैं जो कीमती नहीं है लेकिन वो ग्रीनरी के मामले में बहुत अच्छे हैं, तो हमारा उद्देश्य जो रहेगा वो ग्रीनरी रहेगा, हमारा टारगेट जो है वो है ग्रीनरी। उसके बाद कोई पेड़ जहाँ जिस प्रकार की जरूरत है उस प्रकार से लगाएंगे। मान लीजिए कहीं ऐसी जमीन है जिसमें खैर कई पेड़ हो सकता है तो लगाएंगे, खैर भी कोई ऐसा विरोध नहीं है हमारा, लेकिन पहला टारगेट हमारा ग्रीनरी का होगा। अगर वहाँ पेड़ ऐसा ऐसा होता है या जैसे सफेदा का पेड़ है तो सफेदा भी हम लगाएंगे, लेकिन अगर दूसरा नहीं होता वो आरडी पेड़ है जो मुश्किल जगह पर भी हो सकता है तो वो भी लगाएंगे, लेकिन पहला प्रयास हमारा होगा कि जो ज़्यादा ग्रीनरी देगा वो पेड़ हम लगाएंगे। तीसरा हमारा ये है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम ऐसा पेड़ भी लगाएंगे जिसके ऊपर घोंसला बन सके, क्योंकि अभी तक सफेदा और पॉपुलर ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर घोंसला नहीं बनता, तो पक्षी के लिए बड़ी भारी समस्या थी कि किसान ने भी वही पेड़ लगाना शुरू कर दिया जो उसको इनकम दे रहा था और हमने भी वैसे ही सोच लिया, तो उसमें एक समस्या रही थी। तो आने वाले टाइम में हम ऐसा पेड़ भी साथ उसको जोड़ेंगे कि वो ऐसा भी हो जिसपे उसका घोंसला बने। तीसरा, उसके खाने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा पेड़ भी होना चाहिए सफेदा है, सफेदे के ऊपर खाने के लिए कुछ नहीं है, पॉपुलर के ऊपर खाने के लिए कुछ नहीं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे पेड़ हैं जिनके ऊपर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि बीच में ऐसे पेड़ भी लगने चाहिए जिनके पास ऊपर कोई फल भी लगना चाहिए कुछ। अगर मान लो 100 पेड़ लग रहे हैं तो 100 में 5 ऐसे भी हों जिनके ऊपर खाने के लिए भी कुछ हो, ताकि हमारे जो पक्षी हैं वो भी सुरक्षित रहें। और इसके साथ साथ हमने एक नई योजना अब की बार बनाई बाग लगाने की। पहले हम प्रयास करते थे, पंचायत से जमीन लेते थे तो वहाँ हम कोई सफेदा या पॉपुलर कोई भी ऐसा जो भी सीधा सीधा तुरंत इनकम का के लिए जो भी पेड़ होता था वो लगाते थे, तो 3 साल तक हम उस पेड़ का
पालन पोषण करते थे और फिर हम पंचायत को देते थे, 7-8 साल के बाद पंचायत उसको काट लेती थी। तो प्रॉब्लम जो कि त्यों रहती थी कि थोड़े देर के बाद फिर वो दोबारा फिर वही काम शुरू था। तो अब की बार हमने विचार किया कि हम बाग लगाएंगे, ताकि बाग एक बार लगाने के बाद मान लो जी हमने आम का बाग लगा दिया तो मेरे ख्याल के 50 साल के लिए तो वो ग्रीनरी रहेगी रहेगी। ऐसे ही कोई और पेड़ का बाग लगाया तो लगभग लगभग 20-30 साल से लेके 50 साल तक का बाग की लाइफ है, तो वो ग्रीनरी लंबे टाइम तक रहेगी और उसके साथ साथ पंचायत की आमदनी भी उससे बढ़ जाएगी। अगर वो बाग लगेगा तो स्वाभाविक है जितना उसका ठेका आज मिलता है, उसको जो पैसे आज मिलते हैं तो उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन अब की बार वो डेमोस्ट्रेशन के तौर पे है, हमारे आज जिले में एक दो तीन का हमारा प्रयास है, क्योंकि एक विश्वास भी कायम करना कि लोग देखें कि ये भी एक तरीका हो सकता है काम करने का, तो उसका हमारा एक प्रयास है। तो इस तरीके से हम पूरे उससे लगे हुए हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जो पर्यावरण के लिए जो आज देश की और पूरी दुनिया की ज़रूरत है तो उसमें एक अच्छा काम हम करके दिखा सकते हैं, और हमारे सारे अधिकारी इसमें पूरी ईमानदारी के साथ पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं।